विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और जुबानी शब्द बाण चलाकर हमला कर रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था वह कभी पूरा नहीं किया है। उन्होंने शराबबंदी के बारे में बोलते हुए कहा कि शराबबंदी का निर्णय तो भाजपा शासन ने भी लिया था, रमन सिंह ने भी कहा था, क्या उन्होंने बंद किया? 2003, 2008, 2013, 2018 में संकल्प पत्र पारित किया था, उसमें लागू क्या किया? अगर लागू किए होते तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में नहीं सिमट जाती। जो इसमें जो भी सुझाव ले, मगर भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। शराब बंदी का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने लिखा था। क्या उन्होंने बंद किया? क्या उन्होंने 2012 में जो प्राइवेट संस्थाएं थी वो संचालित करती थी, मगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने हाथ में 2012 से 2018 तक संचालित किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी के सिर्फ और राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। 2018 में भी माननीय अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ डेरा डाले थे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन से 2018 के चुनाव में हम जीते थे, 2023 के चुनाव में भी हम ऐतिहासिक जनादेश का साथ हम सरकार बनाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।